शाम को जो चटपटी भूख लगती है उसी के लिए हम आज आपके लिए एक स्नैक लेके आए हैं। तो स्टार्ट करें शीनू। हाँ, आज हम बनाएंगे आलू चाट। उसके लिए मैंने 2 आलूज लिए हैं। इसको मैंने बॉईल कर लिया और काट लिया है, तो इसको गरम तेल में थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा ये क्रिस्प हो जाएंगे। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं विद द लवली मॉम शीनू दुगल के यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, आपकी शाम की छोटी सी भूख के लिए, ये चटपटे स्नैक्स जो आप झटपट बना सकते हैं अपने लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। सो ये हमें कौन सी फ्लेम पे? ये हाई फ्लेम पे करेंगे बिकॉज हमें थोड़ा सा इसको ब्राउन करना है आगे को, सो दैट वो क्रिस्प हो जाए और टेस्टी लगे। तो देखिए ऑलमोस्ट 4 मिनट्स हो गए हैं, हमने इसको अच्छे से शैलो फ्राई कर लिया है। राइट शीनू, 1 टेबलस्पून ऑयल में हमने इसको अच्छे से शैलो फ्राई कर लिया है तो क्रिस्प हो जाए। तो क्रिस्प हो जाए, बड़ी चम्मच तेल लिए ताकि, नॉर्मली शीनू आप बता रहे थे कि इसको डीप फ्राई करा जाता है, राइट? डीप फ्राई भी कर सकते हैं बट मैंने प्रेफर किया कि इसको मैं शैलो फ्राई करूँ। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, रेड मिर्ची, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट और इन सबको अच्छे से टॉस करेंगे सो दैट सारा मसाला आलू पे कोट हो जाए। देखिए जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड वीडियोस लेके आते हैं, कोई रीटेक नहीं, कोई रीशूट नहीं, जैसी है रेसिपी आपके सामने है। देखो अच्छे से कोट हो गया, सो नाउ वी विल टेक आउट दिस ऑन अ प्लेट। देखिए उतना ही तेल लीजिएगा जितने में ये शैलो फ्राई हो जाए, क्योंकि इसी में हमने मसाले मिक्स करे हैं। और इसके ऊपर विल ऐड टैमरिंड चटनी, इमली का चटनी, धनिया चटनी, थोड़ा सा पोमेग्रेनेट अनार गार्निश के लिए, सेव, जीरो सेव जो बाजार में आपको मिलती है गार्निशिंग के लिए, हाँ इसको, और फिर गार्निश के लिए धनिया। तो देखिए चटपटी आलू चाट कितनी जल्दी रेडी है। अगर आपके पास बॉइल्ड आलू है तो फटाफट आप इसको बना सकते हैं, गर्मा गर्म चाय के संग गेस्ट को सर्व करिए, बच्चों को खिलाइए या खुद खाइए, इतनी शानदार अमेजिंग लग रही है। थैंक यू शीनू फॉर द लवली रेसिपी वंस अगेन। झटपट चटपटी आलू चाट की रेसिपी आपके लिए रेडी है, बनाइए खाइए एंजॉय करिए, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, मिलेंगे दोबारा, बाय बाय एवरीवन।